क्वेश्चन है जी। नो नो प्लीज 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 जीरो जीरो में जीरो में व्हाट इज इट आई विल सी आफ्टरवर्ड्स आफ्टरवर्ड्स आई नो इट जीरो जीरो में आई विल एवरीबडी मैं दे दूंगी शून्यकाल में बैठिए शून्यकाल में प्लीज 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 मैं शून्यकाल में दे दूंगी जी जी क्वेश्चन क्वेश्चन अवर नाउ अभी मैं दे दूंगी प्लीज प्लीज बैठिए शून्यकाल में दे दूंगी ना बैठिए क्वेश्चन नंबर 61 हरीश मीणा जी नमस्कार मैडम दे दूंगी आपको भी आपके अभी प्राइस राइज का भी नमस्कार मैडम मायावती जी का कुछ बोल रहे प्राइस राइज प्रश्न नंबर 61 प्लीज बैठिए ना अरे अभी नहीं अभी रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है शून्य काल में अभी रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा बोलोगे तो धन्यवाद मैडम प्रश्न नंबर 61 61 मैडम एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है जी सप्लीमेंट धन्यवाद मैडम जो आपने मुझे आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाने का मौका दिया मैडम जब ये योजना बनी थी इसके पीछे उद्देश्य ये था कि गांव का गरीब का किसान का जो जीवन है वो सरल हो जाएगा उसको सहूलियत मिलेगी और जो मंत्री जी ने जो जवाब दिया है जो मैंने देखा उसमें इन्होंने बताया कि इतने लाख रुपए खर्च हो गए इतने किलोमीटर सड़क बन गई ये रुपया खर्च तो हुआ है मैडम इसका उपयोग तो हुआ है पर सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ है इसका कोई मुझे इसमें ब्यौरा नहीं मिला इसी तरह से इतने हजार किलोमीटर सड़क बनी ये सड़क गाँव वालों की आवश्यकता अनुसार बनी है या किसी की सुविधा अनुसार बन रही है या किसी की मेहरबानी से बनी है इसका कहीं इसमें ब्यौरा नहीं है मेरा सवाल मंत्री जी से ये है कि जब सड़क बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है गांव को स्कूल की सुविधा मिले जो नियरेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको सड़क से जोड़ा जाए जो नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको सड़क से जोड़ा जाए या गांवों के बीच में से जो नेशनल हाईवेज गुजर रही हैं उनको छोटे छोटे गाँव से जोड़ा जाए तो क्या मंत्री जी इनके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई मापदंड तय करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं धन्यवाद मैडम माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है खासतौर पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजनाओं के अंतर्गत गांव के अंतिम चोर तक अंतिम इलाके से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मूल उद्देश्य यही है गांव तक सड़कों को जोड़ना उनके जीवन स्तर को उठाना और उसी मार्गनिर्देशन के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्यरूप कार्ययोजना बना करके धनराशि आवंटित करके उनके जीवन स्तर को उठाने के भरपूर प्रयास किया गया है मैंने विस्तार से अब तक जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कार्यक्रम चलाए गए हैं विस्तार से मैंने अपने उत्तर में दे रखा है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि आपने जो चिंता जाहिर की है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मूल उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मूल उद्देश्य है जिसकी चर्चा मैंने की आपने कहा है कि गांव के स्तर से सड़कों को जोड़ने के अलावा भी जो गाँव में पंचायत भवन हैं गाँव में सामुदायिक भवन हैं गाँव के अंदर हेल्थ सेंटर हैं गाँव के अंदर शमशान हैं आदि आदि हेल्थ सेंटर के अलावा स्कूल भवन हैं इन सबको भी जोड़ने की चिंता आपने जाहिर की है मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करता हूँ कभी हाल के दिनों में जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि गाँव के अंतिम छोर पर चाहे वो स्कूल का भवन हो या पंचायत का भवन हो या आंगनबाड़ी सेविका के लिए जो भवन बनता है वो हो या शमशान घाट हो या हेल्थ सेंटर हो सब सड़कों को जोड़ने के लिए निर्देशिका जारी कर दी गई है
अब मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि अगर आपको लगता है कि कोई विशेष परियोजना आपके क्षेत्र में है तो उसको आप दें, मैं उसको जुड़वाने का प्रयास करूंगा। सेकंड सप्लीमेंट। धन्यवाद मैडम। मैडम मेरा ये सेकंड सप्लीमेंट्री है, मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान की आबादी और प्रदेशों के मुकाबले में कम है, घनत्व कम है वहाँ। अब मैडम जो इसमें जो मापदंड तय किए हैं कि 2001 की जनगणना में जिन गांवों की संख्या 500 से ज़्यादा है, अभी तो 2011 का भी जनगणना आ गई, वो भी रिपोर्ट आ गई। अब राजस्थान की आबादी जैसे हम लोग हैं, हमारी आबादी तो बढ़ने में टाइम लगेगा, या तो कोई प्रीमियम है जो ज़्यादा आबादी बढ़ाते हैं उनके जल्दी बनेगी सड़क कुछ ऐसी, क्योंकि हमारे राजस्थान में मैडम गाँव का सिस्टम नहीं है, ढाणियों का सिस्टम है, हर आदमी अपने खेत में रहता है, बड़े गाँव नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया राजस्थान के लिए कुछ रिलैक्सेशन दें ताकि हमें भी इस विकास का लाभ मिल सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं अवगत कराऊंगा कि प्रथम फेज के जो सड़क का निर्माण किया गया 2001 के जनगणना के आधार पर, अभी तक राजस्थान के 351 ऐसी परियोजना है जिसका DPR बनकर नहीं आया है। निश्चित तौर पर जहां आपने चिंता जाहिर की है, आपकी आबादी बढ़ रही है, समस्या भी बढ़ रहेगी निश्चित तौर पर, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो चिंता की है, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार सड़कों का निर्माण तो हो रहा है। राजस्थान में काफ़ी राशि भी गई है और काफ़ी सड़कों का भी निर्माण हुआ है। मैं ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान ये देश के पैमाने पर कुछ एक गाइडलाइन है, उसमें राजस्थान भी आ रहा है। जिन सड़कों के चयन में हम प्राथमिकता दे रहे हैं, राजस्थान में 15 ऐसे जिले हैं और 89 ऐसे ब्लॉक हैं जहां DDP योजना के तहत, जिसकी चिंता आप कर रहे हैं, 89 ब्लॉक्स में 250 से 499 आबादी वाले टोले धानी PMGSY के तहत सड़कों के निर्माण के लिए योजना मांगी गई है, उसके लिए DPR बनाया जा रहा है। और यही नहीं, DDP योजना के अंतर्गत जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, उसमें जो ब्लॉक है, 14 ब्लॉक है बीकानेर का, नगौर का 2 ब्लॉक है, जोधपुर का 10 है, नगौर का 11 है, जोधपुर का 10 है, पाली का 10 है, सीकर का 8 है, जलौर का 8 है, ये तमाम जो आबादी है उसको जोड़ने के लिए गाइडलाइन दे दिया गया है, DPR मांगे जा रहे हैं। DPR आते ही राशि स्वीकृत हो जाएगी और उन गांवों का सड़कों से जोड़ने का काम किया जाएगा। प्रेम सिंह चंदूमाजरा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य जो माननीय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के सामने लाया, मैं समझता हूँ उसके हम आभारी हैं, क्योंकि गांवों को शहरों से जोड़ से कृषि में बढ़ावा होता है, जिसकी जरूरत थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अमली रूप में प्रैक्टिकल इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे 10 मीटर की चौड़ाई रखी है। बहुत सारे प्रदेश, पंजाब जैसे प्रदेश हैं जिसमें कोई रास्ता 8 मीटर से ज़्यादा है नहीं, ज़मीन अक्वायर नहीं कर सकते, तो वहाँ हम सड़क बना नहीं पाते। ऐसे ही रिपेयर के लिए समाचार पत्रों में आया 70% रोड्स PMGSY की खराब पड़ी हैं, खड्डे पड़े हैं उनमें, उसको रिपेयर स्टेट गवर्नमेंट कर नहीं पाती। ऐसे जो अनयूज्ड लैंड जो बच जाती है उसको कोई काम में नहीं लाया जाता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या कुछ गाइडलाइन चेंज हो सकती हैं जिससे प्रैक्टिकली काम आ पाए। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने 50% जो साथ का किसान था उसको देने की बात करती, वो पेड़ पालता था। ऐसे ही जो 8 मीटर हो जाए अच्छा है, और नहरों के किनारे जो है, महोदय हमारी पंजाब सरकार ने एक प्रपोजल भेजी है, सारे देश में हो सकती है, नहरों के किनारे पक्के हो जाए, नहरें बच सकती हैं, रास्ते भी, जमीन भी बच सकती है। और ऐसे ही हमारी जो नई प्रपोजल है 2000 किलोमीटर की, जैसे बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको कंसीडर करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि गाइडलाइन जो प्रैक्टिकल तौर पे लोगों को जिसका फायदा हो पाए, जो दिक्कतें आ रही हैं, क्या उसको सरकार दूर करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं तैयार कर रही है। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को
आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सड़कों के निर्माण के लिए पहले के अपेक्षा ज़्यादा धनराशि हमने आवंटित किया है। पहले प्लीज आप यहाँ चप्पल महोदय नहीं दिया है। हाँ, मैडम ये निश्चित तौर पे समय समय पर हमारा जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सड़कों के निर्माण के लिए राशि धनराशि मैं पर्याप्त मात्रा में दे रहा हूँ और निश्चित तौर पर सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो हमारे पहले के मापदंड हैं उनके अनुसार अगर सड़क निर्माण में कोई बाधा आ रहा है तो उसको भी निश्चित तौर पर अगर कोई प्रस्ताव माननीय सदस्य के माध्यम से वहाँ की सरकार के माध्यम से अगर कोई प्रस्ताव आया है तो निश्चित तौर पर वो विचारणीय अगर होगा तो हमारे मार्ग हमारे जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम उस पर विचार करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय माजरा जी ने निश्चित रूप से बड़ी व्यवहारिक समस्या का जिक्र किया है लेकिन मैं समझता हूँ सदन के अधिकांश सदस्य जानते हैं 2000 में जब वाजपेयी जी के समय इस योजना का आरंभ हुआ तो मुख्य रूप से उद्देश्य ये था कि ये डांबरीकृत सड़क से बसावट को जोड़ा जाए, बसावट 1000+ की हो, बसावट 500+ की हो और विशेष क्षेत्रों में 250 की जनसंख्या तक के गांव इस योजना के अंतर्गत आवे। उस योजना के अंतर्गत सारे देश में काम चल रहा है और सफलतापूर्वक काम चल रहा है और इसका लाभ पूरे देश के जनजीवन को मिला है और जहां सड़क पहुंची है वहां जीवन स्तर में लोगों के बदलाव भी आया है। पंजाब में भी बड़ी मात्रा में सड़क बनी है और अभी भी 781 करोड़ रुपए के काम पंजाब राज्य में चल रहे हैं। PMJSY जो सेकंड फेस है उस फेस में निश्चित रूप से कुछ मानदंड दिए हैं जिसमें राज्य की जिले की और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उन सड़कों को लेंगे और उसमें लगभग भारत सरकार ने तय किया है कि 50,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण करेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे चंदू मादरा जी की बात का समाधान संभव हो सकता है। आर ध्रुव नारायण जी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछो, बहुत लोग पूछना चाहते हैं। मैडम मिनिस्टर इज रिप्लाई हैज गिवन स्टेट वाइज एलोकेशन बट एस्पेशली माय स्टेट इज कर्नाटका वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फंड। The current year government has allocated only 333 crores as against requirement of 552 crores. And madam, government accorded total sanction of 1,117 crores, but they have not released the money. So, my question to Honorable Minister, what action to take for releasing the money for especially the state of Karnataka? We are facing severe problem, madam. For ongoing project, we don't have, the money has not yet released from union government. Yes, माननीय अध्यक्ष महोदय राज्य सरकारों से जिस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोजेक्ट आते हैं केंद्र सरकार मानदंडों के अंतर्गत उन पर विचार करती है और समय पर सारी राशि को रिलीज करती है। कई राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त राशि होती है तो अप्रयुक्त राशि का भी प्रयोग हो जाए और समय पर उनका कोई काम उसके कारण न रुके इस दृष्टि से हम लोग चिंता करते हैं। लेकिन कर्नाटक राज्य में इस प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी, मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ। श्री अनूप मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। यह बहुआकांक्षी परियोजना है जिसे श्रद्धेय अटल जी ने शुरू किया, बीच में इसमें गड़बड़ हो रही, इसके नॉर्म्स बदले गए, लोड बेरिंग कैपेसिटी और इसकी निगरानी पिछले 10 सालों में यूपीए गवर्नमेंट में गुणवत्ता खराब हुई, उसके कारण स्टेट की सड़कों की स्थिति बिगड़ी और उसी समय कुछ सड़कें छोड़ दी गई जिनकी 1000 की बसावट थी, उन सड़कों को अभी भी नहीं लिया जा रहा है यह मान करके कि यह गलती हो गई है, अब इसको हम कैसे सुधारें। मेरा निवेदन ये, ऐसी सड़कें पूरे देश में, मध्य प्रदेश में कई सड़कें हैं जिनके 1000 से ऊपर की बसावट है,
उसके बावजूद भी सेंसस के अनुसार उन सड़कों को अभी नहीं जोड़ा गया है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनकी गुणवत्ता खराब थी, बार बार उसके बारे में चर्चा हुई, लेकिन क्योंकि वो उस समय के कुछ नॉर्म्स में शिथिलता लाई गए थे। मैं जानना चाहता हूँ एक तो वो शिथिलता क्या है, दूसरा पॉइंटेड है ऐसी सड़कें जो उस समय बसावट के आधार पर नॉर्म्स के अंतर्गत आती थी वो छूट गई हैं, क्या उन सड़कों को पुनः लिया जाएगा? मैडम, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तरीय निगरानी रखती है, जांच रखने का काम करती है। पहला है कि PIU प्रोग्राम इंप्लीमेंटिंग यूनिट जो कार्यस्थल पर जाता है, स्थायी तौर पर प्रयोगशाला बना हुआ है, उसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग करता है, वहाँ जांच करता है, चेक करता है। दूसरा स्तर राज्य के स्तर पर क्वालिटी मॉनिटरिंग योजनाओं को मॉनिटरिंग करने का प्रावधान है जो करने का काम करता है राज्य सरकार भी। और तीसरा स्तर है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, NRRDA द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है और फिर नेशनल क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति की जाती है और इसके आधार पर अगर कोई रिपोर्ट आता है तो उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाती है। सरकार स्पष्ट मानना है कि हम गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करेंगे और निश्चित तौर पर अगर कोई विशेष परिस्थिति में माननीय सदस्य अगर कोई विशेष योजना की चर्चा करेंगे या बताएंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने स्तर पर उसके विशेष जांच करवाने का जो प्रावधान है उसको हम जांच कराएंगे। अगर कोई ऐसी योजना है तो आप हमको दें और 1000+ का कोई अगर सड़क छूट गया है तो उसकी सूची दें और सबकी स्वीकृति हम देने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम फॉर गिविंग मी अ चांस टू आस्क एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैडम, फ्रॉम द रिप्लाई ऑफ द मिनिस्टर आई सॉ ₹2,623 crores हैव बीन अलॉटेड इन वेस्ट बंगाल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMGSY, बट इज द मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट नॉट ए सिंगल पैसा हैज बीन अलॉटेड इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन नॉर एनीबडी कंसल्टेड विथ मी फॉर कंसल्टेशन। I am saying for the entire district, but I am saying for my constituency. Yes. Nobody consulted with me, and I have written 2 letters to the Honorable Minister of Government of India. I have requested district magistrate. I have raised this question in the Jila Parishad general meeting also, but nothing is done within 2 years. 2 years passed. Then my question is, my state question is, who will protect our democratic right and what way it will be protected? I want to know from the minister. Maniye. Please. You are, I will do half an hour or something. You can. But aaj itna nahi baithiye. Yes. Aap bataiye. Bolo. मैं तो बोल ही रहा था ना। आप बोलिए। माननीय सदस्य, प्लीज ऐसा नहीं होता। महोदय, आई नो प्लीज। महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने किसी सड़क के गुणवत्ता के विषय में कोई शिकायत आपने की है तो निश्चित तौर पे उस पर विचार करेंगे और कहीं से, जैसा कि मैंने कहा कि कहीं से कोई गुणवत्ता में समझौता नहीं की जाएगी, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मैं निश्चित तौर पे आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ माननीय सदस्य को कि आपके जो समस्या है उसके निदान के लिए प्रतिबद्ध हैं और निश्चित तौर पर उसका निदान हो के ही रहेगा। एक मिनट, उनका कहना है सदस्य को भी विश्वास दे रहे हैं ना, प्लीज सुनिए। आई नो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूँ कि वो शांति से प्रश्न पूछे, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रश्न ध्यान में तो आना चाहिए। इसमें हीना गावित जी,
अच्छा एक मिनट बैठिए, मैं समझ रही हूँ। एक थोड़ा वो बदरुद्दोजा खान का जो प्रश्न था, एक मिनट, इसमें संसद सदस्य की भूमिका, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था उनका जवाब रामकृपाल जी दे रहे थे। सुनो तो, अरे प्लीज बैठिए। नो, ऐसा नहीं होता, मैं दोबारा कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अधीरंजन जी, कृपा करके सुनिए तो। माननीय सदस्य ने जो बात कही वो उन्होंने अपने अधिकार और अपने जानकारी के विषय में उन्होंने बात की। यह सच है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना यह केंद्र द्वारा प्रत्यायोजित योजना है और इसलिए इसमें प्रारंभ से ही सांसद का महत्व है। अगर किसी भी राज्य में एक मिनट ऐसा नहीं होता, आपको घर पे पूछने नहीं आते, अरे आपको सुझाव देना होता है। बैठिए। नो, आई एम सॉरी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। यस, अधीर रंजन जी बैठिए। यस, सांसद का निरीक्षण हो प्लीज। यस, पहले से भी इसमें ये प्रावधान है कि सांसद को लेकर इस सड़क योजना, अरे एक मिनट तो बात करो, 10 साल तक तो आप ही की सरकार थी, हम तो आज आए, हम तो पहला प्रावधान बता रहे। प्लीज प्लीज बैठिए। मैं इसीलिए जब वो आपके हैं उनके नहीं थे। बैठिए प्लीज अधीरंजन जी। अच्छा आपकी थी ना, बैठिए ना अधीरंजन जी। नहीं ऐसा नहीं होता है अधीरंजन जी, बैठिए प्लीज प्लीज प्लीज। अधीरंजन जी, अधीरंजन जी, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये प्रावधान है, जिस राज्य में वह योजना चल रही है उस राज्य में उस क्षेत्र के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर स्तर के अधिकारी सांसद से संपर्क करेंगे, सांसद को साथ में लेकर निरीक्षण करेंगे। अरे नहीं हो रहा है तो देखेंगे ना। प्लीज माननीय मंत्री जी, मैं बताती हूँ, बैठिए माननीय मंत्री जी, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए माननीय मंत्री जी। एक मिनट, जो सब लोगों से सब तरफ से हाथ उठ रहे हैं, बात केवल इतनी है, यहाँ के निर्देश जरूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं गैप होती है, आप उसको देख लेना कि कहीं ना कहीं सांसदों को एक्सेस सतर्कता समिति या कोई बैठक भी नहीं होती है। आप इतना ही बोलो, इसको देख लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बता दिया, माननीय अध्यक्ष प्लीज, माननीय अध्यक्ष महोदय, I will name him, write his name. What are you? I have said your one. No, I'm sorry. Now sit down. No. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक निर्वाचित सांसद हूँ और सांसद की व्यथा को भलीभांति जानता हूँ। ये जो प्रावधान है, इन प्रावधानों का अगर राज्य में ठीक प्रकार से पालन नहीं हो रहा है तो केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ये पालन किया जाए राज्यों के द्वारा। अरे हमारे मंत्री की सुना तो करो, करेंगे ना। थैंक यू हिना गावी। Thank you, Madam Speaker. I represent Nandurbar constituency, which is a tribal and a hilly area. And even I had received many such complaints of poor quality roads of PMJSY. And when we actually did a field visit, we found that the roads were not only poor quality, but also the length of the road constructed was way less than what was sanctioned. Ma'am, I would like to mention about one example, that the road that I saw, which was sanctioned 10 kilometers, but we actually found that the road was only 4 kilometers, and 6 kilometers road we could not find. Also, madam, there are few roads, like there is SH3 Shirve Ali Vihir Khurchimar Nendwan. This is in Taluka Akkalkua. This road was shown completed on a record in 2012. 10 crores were spent on construction of this road, and the road is still not constructed. Prashna. Also, madam, there is one road
MDR 11 to Kumbri, which is in Taluka Dhadgaon. This is a completely hilly area. Even this road was shown completed on record in 2009, and only WBM work is done. Madam, in my constituency, out of 216 roads and bridges, there are 33 roads which is not constructed according to what length was sanctioned. It is way less than the sanctioned length. Also, madam, there are 28 roads which, despite of spending crores of rupees, is substandard quality. Madam, through you, I would like to know from Honorable Minister, with such type of serious complaints, what action will the Honorable Minister take, and is he going to fix a time frame for taking action on these people? Thank you very much. Please. माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की काफ़ी लमसम बात की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य को भी और सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण पूरे देश में हो रहा है, इसकी गुणवत्ता ठीक हो और ये जितनी मंजूर है उतनी बने, यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है। गुणवत्ता को चेक करने के लिए 3 स्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम है, जहाँ जिले पर PIU स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होती है, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और नेशनल क्वालिटी मॉनिटर भी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। कई स्थान ऐसे निश्चित रूप से, अभी मैं पिछले दिनों जब काम संभाल रहा था तो देखने में आया कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो सड़कें 10 किलोमीटर के लिए मंजूर हुई, लेकिन वहाँ की जो भी परिस्थिति रही हो वो 9 किलोमीटर ही दिखाई दे रही हैं, और ऐसी सड़कों को मंत्रालय ने जानकारी मंगा के चिन्हित किया है, और उस मामले में निश्चित रूप से हम लोग विचार कर रहे हैं कि आखिर 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी तो उसका पैसा हमें लेना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से अगर ऐसी कोई स्थिति जो माननीय सदस्य के क्षेत्र में है और जिस प्रकार की उनकी बातचीत में गड़बड़ दिखाई दी, उस हिसाब से अगर कोई शिकायत है तो वो देंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग उसकी जाँच कराएंगे। इस प्रश्न पर बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, प्लीज आप कुछ हाफ एन आवर या ऐसे कुछ नोटिस दे दो, हम विस्तृत रूप से 193 में भी आप चाहे तो चर्चा हम करेंगे। अभी आधा घंटा मैंने दिया, एक मिनट आप बैठिए, मैं दे दूँ आज नहीं, पूरक प्रश्न ज़्यादा नहीं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है मेरे पास, मगर आप डिस्कशन मांगिए, इस पर एक विस्तृत डिस्कशन किया जा सकता है, बैठिए। मैं एक दूसरी बात, प्लीज मेरा भी कुछ कई सालों का अनुभव है, मैं एक बात थोड़ी सदस्यों को मेरे अनुभव की बताना चाहूँगी। मैं भी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, इसमें आप जो बात कह रहे कई जगह पे ये होता है, लेकिन हम लोगों की भी जो सतर्कता समिति नाम की एक चीज़ बनी हुई है, अपेक्षा की जाती है हर 3 महीने में उसकी बैठक हो, सांसद को वो बैठक लेना है, विषय दे, प्लीज प्लीज आप लोग नहीं होती है, मैं आप करते होंगे मगर जिस मात्रा में होना चाहिए, मैं एक बार केवल सूचना दे रही हूँ, आप उसमें ये सब अधिकारियों के साथ इन बातों का परीक्षण भी कर सकते हो और प्रदेश तक बात पहुँचा सकते हो, यहाँ तक आ सकती है, आप उस शस्त्र का भी अच्छे तरीके से उपयोग करें। PMGSY की बरोबर चर्चा होना चाहिए, आप सब लोग चाहते हैं तो उस पर आप दे दो नोटिस, हम जरूर इसकी एक अच्छी चर्चा करेंगे, और हमारे माननीय मंत्री जी वास्तव में अच्छे अनुभवी हैं, गंभीरता से काम करने वाले हैं, वो आपकी भावनाओं को जरूर ध्यान में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, सुशील कुमार सिंह, क्वेश्चन नंबर 62 मिनिस्टर, यस सप्लीमेंट्री नाउ। अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि देश में बाढ़ से बचाव के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो योजनाएं स्वीकृत हुई, अभी तक कुल 519 परियोजनाओं का अनुमोदन हुआ, जिनमें से मात्र 297 योजनाएं ही पूरी हुई। देश भर में
45.5 लाख हेक्टेयर संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आंका गया है, लेकिन आजादी को 70 साल हो गए। दुखद स्थिति यह है कि अभी तक मात्र 19.59 लाख हेक्टेयर तक ही बाढ़ से बचाव का इंतजाम सरकारों ने किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यह जो स्थिति असंतोषजनक है, 1954 में पहली कमेटी बनी, उसके बाद रंगाचारी कमेटी बनी, सारी समितियों के रिपोर्ट्स आए, एक सोच ये बनी कि बाढ़ से बचाव के लिए स्थायी परियोजनाओं का निर्माण ना करके, उन पर खर्च ना करके और सूचना देने की प्रणाली को विकसित किया जाए, लोगों को आगाह किया जाए, सचेत किया जाए। बाढ़ आती है, सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियों का नुकसान होता है और पानी सब कुछ को बहाते हुए लेकर चला जाता है। ना तो उस पानी का बाद में कोई सदुपयोग होता है, ना हम उसको बचाकर या रोक कर रख पाते कि वो पीने के काम या सिंचाई के काम आए। प्रश्न पूछिए लंबे लंबे। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी तक की स्थिति तो संतोषजनक नहीं है, साथ साथ हमारे बिहार में प्रश्न पूछिए। जी मैं पूछ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। लंबा भाषण। नेपाल में जब बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो बिहार उससे प्रभावित हो जाता है। मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि नेपाल सरकार के साथ बातचीत चल रही है। तो मैं ये जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या अभी तक की जो स्थिति असंतोषजनक है, इस पंचवर्षीय योजना में एक निश्चित समय सीमा के तहत कार्य योजना बनाकर 45.5 लाख हेक्टेयर जो भूमि आंकी गई है कि बाढ़ से प्रभावित होगा, उसके पक्का इंतजाम का की कोई व्यवस्था करेंगे या नहीं, करेंगे तो कब तक? ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच बात है कि जितना ये प्रोजेक्ट्स काफी पेंडिंग है और जितना धन का आवंटन होना चाहिए था 11वीं और 12वीं योजना में, उतना धन का आवंटन में नहीं हो पाया है। धन का आवंटन न होने की वजह से ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाए। जहाँ तक बिहार की बात है, नेपाल से बातचीत जारी है, जॉइंट इंस्पेक्शन टीम बनी है, सप्तकोसी पे डैम को बनाने को लेकर नेपाल से बातचीत जारी है। नेपाल के साथ एक और योजना पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, जो एक डैम का निर्माण वहाँ होगा, करीब 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 5040 मेगावाट एनर्जी का इसमें वो होगा। ये जरूर है कि इतना संसाधन, इतने धन सब योजनाओं को पूरा करने के लिए एक साथ नहीं है, इसलिए योजना धीरे धीरे चल रही है। समय आने पर इसमें निर्णय लिया जाएगा, जैसा धन का आवंटन होगा उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। सेकंड सप्लीमेंट। माननीय अध्यक्ष जी, जब बाढ़ के नियंत्रण पर उससे बचाव के लिए धन को खर्च करेंगे तो उसका बहुत बड़ा सदुपयोग होगा, वो सरकारी परिसंपत्तियों और निजी संपत्तियों को भी बचाता है, बचाएगा। इसलिए मेरा एक निवेदन होगा कि बाढ़ नियंत्रण पर बाढ़ की सुरक्षा के लिए अधिक धन सरकार आवंटित करे। मैं माननीय मंत्री जी को बता कर ये जानना चाहूँगा कि बिहार के भागलपुर जिले के रंगड़ा चौक प्रखंड में मदरौनी एक गांव है जो कोसी नदी के किनारे है। इस गांव के दोनों तरफ से रेल लाइनें हैं, एक रेल लाइन जो पटने से गुवाहाटी को जाती है और दूसरी लाइन डिफंक्ट है जो पहले हुआ करती थी। दोनों रेल लाइनों के बीच कोसी नदी के किनारे यह गाँव है जिसका अस्तित्व समाप्ति की ओर है। अब कुछ एक वर्षों में वो गाँव रहेगा ही नहीं, जो स्थिति है। पिछले वर्षों में 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं, पर्टिकुलर बस मैं पर्टिकुलरली पूछ रहा हूँ। अभी इस गांव का सड़क संपर्क कट चुका है, बोल्डर पिचिंग का काम हुआ भी, 14 करोड़ खर्च हुए, लेकिन गांव को बचाया नहीं जा सका। महोदया, आज के ही अखबार में ये है कि लोग नाव पर क्षमता से अधिक सवार हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि सरकार, केंद्र सरकार जो धन देती है बाढ़ सुरक्षा के लिए, क्या उसकी मॉनिटरिंग की भी कोई व्यवस्था है? और इस गांव मदरौनी को बचाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को कोई एडवाइजरी देगी या कोई निर्देश देगी? प्लीज बैठिए। यस, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी गांव को बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नहीं जाए जाता है, प्रदेश सरकार का वो है। और बाढ़ एक ऐसा है कि अगर बाढ़ आएगी तो निश्चित रूप से जो गाँव किनारे पे है नदियों के,
उनमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्या आएगी। अगर आप एक जगह तटबंध लगाएंगे तो दूसरी तरफ से जाएगा, ऐसा कोई इसका सही तरीका यह है। केंद्र का जो काम है सही समय पर सूचना जाए कि बाढ़ आना है, सबसे बड़ा काम हमारा ये है। उसके बाद चूंकि बाढ़ का सारा विषय या तो प्रदेश सरकार का है या फिर होम मिनिस्ट्री से नेशनल डिजास्टर में है, तो हमारा काम बेसिकली पहले प्रबंध करना और सूचनाएं देना। जहां तक विशेष रूप से किसी प्रोजेक्ट की बात है, हाँ केंद्र की तरफ से निगरानी है और सदस्य ने जो अवगत कराया कि 14 करोड़ रुपए खर्च हुए, उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी सूचनाएं लेकर सदस्य तक पहुंचा दी जाएंगी। दामोदर साहू पतिहोत्री, मैं यहाँ से पूछ लूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बाढ़ आपदा या प्रबंधन के तहत दो काम, एक तो फसल का जो नुकसानी होता है उससे बचाओ, और एक गांव तट, जैसा अभी हमारे सदस्य कह रहे थे और मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, कुछ नदियां गांव तक रहता है, वो तट को कटाव को रोकने के लिए प्रबंधन का काम। मेरे लोकसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में तांदुला, खरखरा, शिवनाथ बड़ी नदियां हैं। मैडम वो जैसे एक आदमी इधर से जा रहा है और जानवर आ रहा है तो चल नहीं पाएंगे, इतना बस्ती तक कटाव चला गया है। कटाव रोकने के लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार को राशि स्वीकृत होती थी, अभी उनका कहना है बजट में लेने के बाद हम केंद्र को भेज देते हैं, केंद्र से राशि नहीं मिलती, केंद्र से राशि मिलने के बाद हम तटबंध निर्माण का या बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, आपने जो जानकारी दी है उसमें अनुलग्नक एक दो में भी एक स्वीकृत आपका 3 प्रकरण, वो भी पूरा नहीं हुआ। अनुलग्नक 3 में 21 प्रकरण आपके पास आया, उसको आपने लौटा दिया बिना स्वीकृति के। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार के प्रकरण जो आते हैं हमारे राज्य से उसको आप स्वीकृति देंगे? अगर हाँ तो फिर उसकी सूची हम लोग उपलब्ध करा देंगे, तटबंध को, बस्ती जो डूबने के कगार पे, उसको बचने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम में बजट का आवंटन कम हुआ है पहले के मुकाबले 14वें वित्त कमीशन की सिफारिशों के बाद। जहां तक बात है कि कुछ लौटाए गए हैं, निश्चित रूप से वो लौटाए गए हैं, जिनके अगर CWC को लगता है, जो नोडल एजेंसी है देखती है, अगर ये लगता है कि जो प्रपोजल प्रदेश सरकार ने भेजा है वो उपयुक्त नहीं है या जो भी धन वहाँ खर्च होगा उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा, तो मात्र वे प्रपोजल वापस लौटाए जाते हैं। कुछ प्रपोजल लौटाए गए हैं जिनमें कुछ टेक्निकल या इस तरह की कमियां थी। अगर निश्चित रूप से कोई प्रपोजल कुछ पास भी हुए, कुछ लौटाए गए हैं, अगर किसी विशेष प्रपोजल की बात माननीय सदस्य करेंगे तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर निश्चित रूप से। श्रीमती के मार्गतम। थैंक यू मैडम स्पीकर। द बेटर सॉल्यूशन फॉर द फ्लड मैनेजमेंट इज द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स सो दैट वाटर रिजर्व्स ऑफ द कंट्री कैन बी optimally utilized. Our Honorable Chief Minister Dr. Purachi Thalavi Amma has been urging the government to implement the interlinking of the Mahanadi, Godavari, Krishna, Pennar, Kaveri, Vaigai rivers with the Gundar river, and also the diversion of surplus water of the west flowing Pamba and Achankovil rivers to Vaipar in Tamil Nadu. Therefore, I would like to know from the Honorable Minister the action taken by the government based by the from. झगड़ा मत करो, उत्तर देने दो. Okay. Yes. Let us say something. स्टेट का झगड़ा ऐसा नहीं लाते हैं, आप बैठिए. Yes, Minister. आप बोलिए, अपनी बात रखिए. माननीय अध्यक्ष महोदया, बोलने नहीं दे रहे. माननीय क्या है, तमिलनाडु की माननीय सदस्य ने सुने, आप डिसाइड कर दे. लेट मिनिस्टर से समथिंग, आप आपस में क्यों झगड़ा करते हैं? हाँ उत्तर देंगे, उत्तर देंगे, आप डोंट वरी. आप माननीय अध्यक्ष महोदया, तमिलनाडु की माननीय सदस्य महोदया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय की ओर अपना प्रश्न इंगित किया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया है रिवर इंटरलिंकिंग का, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये योजनाएं राष्ट्रीय हित में हैं और तमिलनाडु ने इसमें हमेशा सहयोगी की भूमिका निभाई है. केरल राज्य को इस योजना पर कुछ कारणों से आपत्ति रही है. हमारे प्रधानमंत्री ने हमको ये निर्देश दिया है कि जिन राज्यों को आपत्ति हो वहाँ की परियोजनाओं के बारे में अभी विचार नहीं करना है, इसलिए हम उन्हीं राज्यों की
रिवर इंटरलिंकिंग पर विचार करते हैं जिनसे की संबंधित राज्यों की पूर्णतया सहमति होती है। तो मैं सबसे पहले केरल राज्य के माननीय सदस्यों को कहूंगी कि जब तक उनकी सहमति नहीं होगी तब तक केरल से जुड़ी हुई नदियों की रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में हम नहीं विचार करेंगे, क्योंकि यही हमको प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। दूसरा यह भी है कि अभी हमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी टच नहीं करना है, हम उसका भी एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु में और पूरे देश में सबसे बड़ा जो समाधान फ्लड का है, अभी तक लगभग फ्लड मैनेजमेंट पर 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन ये सच्चाई है कि फ्लड इस देश को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान करता है। ये तो वो पैसा है जो थोड़ा बहुत हम खर्च करते हैं, अन्यथा नुकसान इतना बड़ा होता है फ्लड से, और धन हानि तो उसकी तो कुछ पूर्ति हो भी जाए, जन हानि की तो पूर्ति भी नहीं हो पाती है कई बार फ्लड के कारण। इसलिए वास्तव में इसका जो मूल समाधान है वही है जो माननीय सदस्य ने इंगित किया है कि जो अतिरिक्त पानी है, जो मानसून वाटर है, जो फ्लड में बदल जाता है, अगर हम उसको रिवर इंटरलिंकिंग की जो हमारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत अगर हमने उस पानी का उपयोग कर लिया, जिसमें कि अभी 31 लिंक हमारे द्वारा प्रस्तावित हैं। इस देश में एक तरफ बाढ़ होती है और दूसरी तरफ सूखा होता है, इसका संयोजन इसी तरीके से होना है। और अगर हमने 31 लिंक पूरे कर लिए, जिसको हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हमारे मैनिफेस्टो में था, राष्ट्रपति महोदय के उद्घोषणा में था, और हमारे मंत्रालय की प्रायोरिटी फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है, हम 31 लिंक को पूरा करेंगे और देश के फ्लड का असली समाधान रिवर मैनेजमेंट ही होगा और उसको हम करेंगे। इससे 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी और 34,000 मेगावाट जनरेट होंगे, मतलब फ्लड भी कंट्रोल में आएगा और इसके साथ देश की GDP बढ़ेगी और साथ ही साथ में इस देश में पावर जनरेशन होगा। बस आपके माध्यम से माननीय जो प्रमुख विरोधी दल हैं यहाँ कांग्रेस, उनके नेताओं से मेरा एक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारी एक योजना केन बेतवा तो किसी भी समय शुरू होने को है, लेकिन हमारी 5 और योजनाएं हैं जिसमें एक पंचेश्वर है, इसके अलावा दमन गंगा पिंजाल है, पारतापी नर्मदा है। अब पारतापी नर्मदा के बारे में महाराष्ट्र में और गुजरात के बीच में समझौता होना है, दोनों राज्य सरकारें बातचीत चल रही है आधिकारिक लेवल पे। अब मेरा निवेदन यह है आपके माध्यम से कि पारतापी नर्मदा को लेकर के जो दुष्प्रचार अभियान कांग्रेस ने छेड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, उसके कारण दमन गंगा पिंजाल की भी दिक्कत आ रही है। और अगर दमन गंगा पिंजाल को हम कर सके, रुकिए, अगर हम दमन गंगा पिंजाल को कर सके तो 2060 तक बंबई शहर में पीने के पानी की समस्या खड़ी नहीं होगी, और ये किसी भी समय हम शुरू कर सकते हैं। बस हमें पूरे सदन का और सभी राजनीतिक दलों का इसमें हमें सहयोग चाहिए। इसलिए फ्लड का असली समाधान रिवर इंटरलिंकिंग है और वो हम करके रहेंगे, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। वरुण गांधी। यस मैडम, मैडम ओनली 18% of rainwater in our country is harvested and 48% enters the rivers and through then goes to the oceans. My question is very straightforward. Madam, to what extent have flood management projects been devised in such a way that rainwater can be harvested more efficiently? I read in a newspaper in the morning, Madam, that in Maharashtra, which is extremely water-starved, 22,000 cusecs of water have been released into the Godavari River simply because of lack of storage capacity. So my question, which has already been answered partially by the Honorable Minister, I just want a more detailed answer. Thank you, ma'am. अध्यक्ष महोदया, ये बहुत ही गंभीर सवाल है जो माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और माननीय सदन के अन्य सदस्यों को भी जो इसमें रुचि रख रहे होंगे उनको मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि बरसते हुए पानी को रोकने के लिए हम एक ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज मैनेजमेंट है उसके पहले हम एक्वाफर पूरे देश में हम एक एक्वाफर मैपिंग कर रहे हैं, फिर उनको हम रिचार्ज करें और हम पानी को भूजल गर्भ में ले जाएं। इसके अलावा जो हमने 99 प्रोजेक्ट जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं पूरे देश में 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिंचित करने के लिए, वो कुछ आधे बने थे, कुछ 75% बने थे। हमने तय किया है 2017 में, 2018 में और 2020 में हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, उसके कारण भी बहुत बड़ी मात्रा में रेन वाटर रुकेगा। और इसी के अलावा नदियों में भी एक नई चीज हमारे डिपार्टमेंट के अंदर विचार चल रहा है, फ्लड प्लेन जोनिंग का। अगर हमने ये तय करके बता दिया कि ये नदियों का फ्लड प्लेन है, आज जो जनहानि और धनहानि होती है उसका कारण ये भी है
कि नदियों के फ्लड प्लेन में भी बसाहट की अनुमति दे दी गई है। राज्य सरकारों ने, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लगे हुए लोगों ने लोगों को बसने के पहले चेतावनियां नहीं दी और उसी का दुष्परिणाम केदारनाथ में देखा था फ्लड के कारण, उसी का दुष्परिणाम है जो कई राज्यों में आ जाता है। एक बार और इसके लिए राज्यों की सहमति भी हो गई है कि हम फ्लड प्लेन जोनिंग का एक बिल लेके आए और उसमें सभी की सहमति हो जाए तो हम धनहानि व जनहानि दोनों को हम रोक सकेंगे। लेकिन रेन वाटर को रोकने के कई प्रकार के उपयोग हैं जिसमें तमिलनाडु ने भी एक उपयोग किया है। एक ग्राउंड के अंदर भी रेन वाटर को रोकने का उपाय है, एक एक बांध की परियोजनाओं को पूरा करके, सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करके इनको भी रोकने का एक उपाय है, एक रिवर इंटरलिंकिंग का भी एक उपाय है। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी देश के सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदयों को कि किसी भी प्रकार से बरसते हुए पानी को ग्राउंड वाटर के नीचे ले जाए, भूजल गर्म में उसको ले जाया जाए, और उसके लिए सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि हम अपनी योजनाओं का प्रकार इस प्रकार से बनाएंगे। मैं माननीय सदस्यों को भी इसके बारे में निवेदन करूंगी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जितने प्रकार के तरीके हो सकते हैं वो अपनी सांसद विकास नीति से भी अजमाएं और हमारा भी मार्गदर्शन करें कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। बाकी हमारा प्रयत्न तो इस विषय पर हो ही रहा है, हम जरूर करेंगे। बहुत डिटेल में उत्तर आया है। क्वेश्चन नंबर 63 और 73 जी, एक मिनट जी, आप कुछ जी सवाल नहीं पूछते, सलाह दें, सलाह दे रहे हैं। हाँ सलाह दें, आदत बहुत है जी, आपके प्रयास तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन पानी स्टोर करने का एक ही तरीका है, उसके अलावा कोई इससे बेहतर नहीं। गांव-गांव बड़े बड़े तालाब खोदना और तालाब खोलने से वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा, वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा। ये है जो मैंने कोशिश की है, यूपी में आपको पता है काफ़ी तालाब खोद गए हैं, उन्हें गांव-गांव बड़े बड़े तालाब खोदे जाए उनमें पानी स्टोर किया जाए तो वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा और गांव-गांव की समस्या हल होगी। धन्यवाद धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर माननीय सदस्य ने जो सुझाव के स्वरूप में बोला है उसमें एक प्रश्न भी है और मैं माननीय सदस्य का, वो वरिष्ठतम सदस्य है, उनका सम्मान करती हूँ। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं एक उनकी जानकारी में एक बात लाना चाहती हूँ कि गंगा में पानी की बहुत कमी है तो फ्लड वाटर को, रेन वाटर को गंगा में किस प्रकार से हम ले आए, इसके लिए प्रतापगढ़ में कुंडा में एक प्रयोग हुआ था जिसको नद्य ताल कहते हैं, यानी बरसात का पानी रोक देना और जब नॉन मानसून पीरियड आया तो उस पानी का चैनल गंगा की तरफ खोल देना ताकि गंगा का पानी कम ना हो। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा है कि ऐसे पुराने जितने नद्य ताल हैं उनकी सूची हमें दे दीजिए ताकि हम उनका रिपेयर कर दें और हम गंगा में पानी बढ़ा सकें। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि आप राज्य के मुख्यमंत्री जी से जरा बात कर लीजिए इस संबंध में, हमें अभी तक वो सूची मिली नहीं है माननीय स्पीकर महोदय। अच्छा ठीक है, आ जाए प्लीज, ऐसे इट्स ओके जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मुलायम जी, सही है जी, वो इधर उधर नाले खोद चले जाते हैं, वो पानी अगर रोक दिया जाएगा तो यहाँ बाद में आप लोग चर्चा कर लेना, इससे बेहतर कोई नहीं। मैंने बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों की मीटिंग की है मुख्यमंत्री होके और बहुत लोगों से राय ली तो सबसे बेहतर बता है कि तालाब होना चाहिए गांव गांव। क्वेश्चन नंबर 63 और बैठिए प्लीज, 63 और 73 को हम क्लब अप कर रहे हैं, दोनों विषय एक है। श्री राहुल शेवाले जी, क्वेश्चन नंबर 63। A statement is made on the table of the House. Supplementary. 63 or 73, yeah. Dono. Thank you, Madam Speaker. My first supplementary question is whether the government has reviewed the financing structure and performance of a Mumbai International Airport Private Limited, yes, to examine the project cost of a development upgradation work of terminal, which is reported to be doubled due to inordinate delays and the funding gap, and recovery of such extra costs in the form of levying development fee on a passengers. If so, the details and outcome therefore, and if not, the reasons of this. There has been a delay in that Chhatrapati Shivaji Airport in Mumbai, yeah, and delay, there are a lot of reasons for it. We have continuously interacted with everybody and tried to overcome these delays. Details we can always gather and reach out to the honorable member. This whole question is over encompassing. Oh, yeah. So
individual airports becomes a little difficult to give us immediate answer. Yes. Second supplementary. Madam Speaker, my second supplementary question is whether it is a fact that the government has not monitored the public-private partnership project effectively, leading to undue benefit of at least ₹5,087 crore to Mumbai International Airport Private Limited during the modernization and upgradation of the Mumbai airport that started in 2006. The details, therefore, along with the reaction of the government of this delay. And there was a delay in almost that Mumbai project. In fact, even the Public Accounts Committee has also gone into all these things. It is also a fact that the government monitors these things regularly. It's not left unmonitored. It is monitored, and attention is being given, and no person will be allowed to loot the state. Okay. Sanjay Dhotre ji. Nyad Adhyaksha Mahoday. My Mananiya Vitta Mantri Arun ji Jetli ji ne jo chalu vittiya varsh ke budget mein 160 hawai addo ka modernization karne ka uddisht rakha uske liye unka swagat karta hu aur Mananiya Nagar Uddayan Mantri ji ne jo chote aur madhyam हवाई अड्डे जो है वहाँ पे हवाई यात्रा शुरू करने का जो अभी अभी एक महीना पहले जो अनाउंस किया उसलिए उनका भी स्वागत करता हूँ और मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अकोला हवाई अड्डा जो आज़ादी के पहले 1943 में बना था इसके विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 60 हेक्टर की जमीन भी हस्तांतरित की है. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्या अकोला हवाई अड्डे के मॉडर्नाइजेशन के लिए कोई कदम उठाया जा रहा और वहाँ पे जो 30 साल पहले एयर सर्विस थी वो पुनः शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि आप भी अकोला में कई बार आई और माननीय नितिन जी तो 2-3 महीने में एक बार अकोला आते, वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है. धन्यवाद जी. इन एनेक्सचर 2 एंड एनेक्सचर 3 डिटेल्स आर बीइंग गिवन what is happening in the country. Yes. And with regard to Akola, it belongs, the runway belongs to the AI, dimensions being 1400 into 45 meters, the runway basic strip of a width 75 meters on either side of the runway, suitable for operation of ATR-42 type of aircraft with VFR operations. At present, no scheduled flights are operating from Akola Airport. AI has requested the state government for 174.67 acres of land for upgradation of Akola Airport. State government has handed over 149.95 acres of land on 23/5/2016. However, it is found that the land handed over by the state government is excess land of some location in comparison to the request made by the AI, whereas certain pockets of land necessary to meet DGCA car requirements of 300 meters basic strip for IFR operations is yet to be acquired, handed over to AI. AI has further informed the state government for acquisition of balance of 34.10 hectares of land to AI to meet the basic requirements. AI is initiating the process of surveying the acquired land and survey to identify the obstruction on obstruction limited surfaces for planning of runway extension work, construction of boundary wall, etc. This is the status of Akola Airport. Okay. Balabhadra Maji is there? R. Dhruv Narayan. Thank you, madam. Madam, government of India spent crores of rupees 73. To construct an airport at Mysore, madam. But Mysore airport is not operational, madam. You know, madam, Mysore city is a cultural city and heritage city and a clean city. And the airport is not operational. Now, my question to Honorable Minister,
what steps you have taken to operation? Make it operation. Make it operation. Especially northeast. Yes. Madam, we have about 31, 32 airports which are not operational, which infrastructure is readily available, and honorable members are agitated that these things should be connected. Okay. We consistently put it to the airlines. Airlines are like a horse. We can take it to water. We can't make it drink. So similarly, we motivate airlines, and if these two get together, and we are hopeful that Mysore, which is a beautiful city, India is very proud of Mysore, and it will get connected shortly. Okay. Deependra ji, Haryana mein kya ho gaya? Ma'am, I thank the minister for laying a detailed statement on all the airports and which are under consideration for modernization and upgradation. My question pertains to three proposed upgradations and a construction of Greenfield Airport in Haryana, which is under active consideration of the ministry and status of those. The first two are, ma'am, upgradation of existing airstrips at Hisar and Karnal into low-cost domestic airports. This was approved by CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs, in August 2013. Subsequently, a joint feasibility study by Airport Authority of India and Government of Haryana conducted in 2012 provided approval for this airport. Then the land was Haryana government offered to provide a land, and subsequently a MOU was signed. Now my question is, what is the status of this, as well as the status of a proposed greenfield international cargo airport at Mehem in Rohtak, for which Airport Authority of India has conducted a feasibility study, and the feasibility study came out positive, and an NOC also was provided by Ministry of Defence, because this airport is close to Delhi, so the Air Force and Ministry of Defence was also asked to provide an NOC, and that NOC has also been provided. My question is, ma'am, Haryana remains one state in the country which doesn't have a single airport, either domestic or international, on its soil. We are relying on Delhi Airport and Chandigarh Airport. Within Haryana, there is not a single airport. Okay, so, what is the status of these three proposed airports? Thank you. Short question. I can do one thing. I can gather that information and reach it out to the honorable member. Okay. Thank you. Our effort is to increase the number of airports and regional connectivity throughout our country. Ajay Mishra ji. Yes. देश में अंतर राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवाओं में प्रतिस्पर्धा के कारण अच्छी व समयबद्ध सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु एयरपोर्ट्स के आधुनिकीकरण के साथ साथ प्रशिक्षित व जानकार जनशक्ति की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। युवाओं की एक बड़ी संख्या अनुरक्षण व प्रचालन में प्रशिक्षित होने के बावजूद बेरोजगार है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विमानन क्षेत्र में 20% से अधिक की वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार ने इस क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता का आकलन किया है।